कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, ये तो सभी को पता है। लेकिन यूपी पुलिस का एक और कारनामा निकलकर सामने आया है, जहां यूपी पुलिस ने 17 साल पहले मर चुके शख्स के खिलाफ मामला तो दर्ज कर ही लिया, इसके साथ साथ पूरी विवेचना हो जाने के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट तक दायर कर दी। ये पूरा मामला कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला का है। इस मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता हेमंत द्विवेदी ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला के पूर्व प्रधान इदरीस के लड़के कासिम की मौत 15 दिसंबर 2003 को हो गई थी। इसके बावजूद गांव के ही राम सिंह की तहरीर पर 13 जुलाई 2020 को चतेला के पूर्व प्रधान और उसके बेटे कासिम के खिलाफ SC/ST समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन CO राजीव प्रताप सिंह और उनके ट्रांसफर के बाद आए CO संतोष कुमार सिंह ने की, लेकिन दोनों CO ने मामले की बिना जांच पड़ताल किए ही मृतक कासिम के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। वहीं FIR दर्ज करवाने वालों ने अपने बयान भी CGM कोर्ट में दर्ज कराए। ये घटना ये हमारे जिला जालौन में एक गांव है चतेला, तो चतेला में एक मिस्टर राम सिंह जी है, उन्होंने 452, 323, 504, 506 और SC/ST में एक चतेला के इदरीस पूर्व प्रधान उनके मृतक पुत्र कासिम के विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत कराया। चूँकि ये मृतक इनके लड़का मृतक मरा हुआ इस घटना के करीब 17 साल हो गए थे, उसके खिलाफ भी FIR पंजीकृत हो गई। चूँकि FIR पंजीकृत होना एक सामान्य बात होती है, अब इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी करते हैं SC/ST की, तो उस समय मिस्टर आर पी सिंह ने भी विवेचना की और उन्होंने भी उस मृतक जो कासिम था उसके विरुद्ध जांच में उसको जिंदा माना। और इसके बाद मिस्टर संतोष कुमार एक CO क्षेत्राधिकारी कालपी, उन्होंने भी उसके मिस्टर कासिम को जिंदा माना और न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। कासिम की कैसे मौत हुई? कासिम की 2003 में स्वाभाविक मौत हुई थी। इदरीस का ये लड़का कासिम, स्वाभाविक मृत्यु हुई थी इसकी 2003 में। और चूंकि FIR लिखना एक प्रक्रिया है, नई जानकारी या गलती से लिख भी गई बादी से, तो ये ड्यूटी विवेचक की होती है कि कौन जिंदा है, कौन ख़त्म हो गया, क्या घटना हुई या नहीं हुई, ये सारी विवेचना का विषय होता है। तो विवेचना में एक मृतक व्यक्ति के विरुद्ध भी आरोप पत्र आपने न्यायालय में प्रेषित कर दिया SC/ST कोर्ट में। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह रावत ने 3 अप्रैल को तत्कालीन CO कालपी विवेचक राजीव प्रताप और ट्रांसफर के बाद आए दूसरे CO विवेचक संतोष कुमार, राम सिंह के बेटे ज्ञान सिंह मुन्ना और उसकी पत्नी हीरा कली, मुन्ना के भाई विजयपाल समेत 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही कदौरा थाना पुलिस द्वारा इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।